हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2019 के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके डिफेंस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज बना रहा हूँ। और अगर आप एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक 999 रुपीज़ का कोर्स जो है वो लॉन्च हो रखा है हमारा एफकैट के ऊपर, जिसमें आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है, 5 लाइव सेशन होंगे और एक कंप्लीट फुल लेंथ का 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट उसमें मैं लूंगा। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज रिसेंटली होस्टेड द 6th वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2019। तो जो 6th वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2019 हुआ, ये चंडीगढ़ ने होस्ट किया, ठीक है, चंडीगढ़ में हुआ ये। और अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने अभी फिलहाल लॉन्च किया है जो वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल है, और इसका ये 6th एडिशन फिलहाल था और ये हुआ 12 से लेकर 14 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि ये 12th से लेकर 14th जनवरी तक, ये 2019 तक ये रहा, जिसको लेजर वैली चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया। और इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, तो सेलिब्रेट एंड प्रमोट किया गया उन वुमेन फार्मर्स को, उन वुमेन फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो ऑर्गेनिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, यानी कि रिमोट एरिया से हैं जहाँ पे आना जाना थोड़ा समस्या रहती है, तो उस तरह के जो पार्ट्स हैं वहाँ से जो वुमेन फार्मर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये जो फेस्टिवल था ये रखा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल चंडीगढ़ में होस्ट हुआ, जिसको जो श्रीमती मेनका संजय गांधी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है इन्होंने भी यहाँ पर इनॉग्रेशन में पार्ट लिया था। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड न्यूज आती है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल है, SSB है, सशस्त्र नहीं यहाँ पे, वैसे हाँ सशस्त्र हम बोलेंगे इसको हिंदी में, और सशस्त्र सीमा बल में जो न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ये हैं कुमार राजेश चंद्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल कुमार राजेश चंद्र, जो IPS 1985 के बैच के हैं, उनको अब पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पे दी है SSB में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है। और ये इससे पहले डायरेक्टर जनरल थे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, और उन्होंने 3 साल जो है यहाँ पे कंप्लीट CPMF में भी सर्विस जो है अपनी दी। और उन्होंने रिप्लेस किसे किया, तो इनसे पहले थे SS देसवाल, जो IPS 1984 के बैच के थे, और 31 अक्टूबर 2018 को वो क्योंकि रिटायर हो गए, तो अभी वो न्यू जो है DG बन गए हैं ITBP में, ठीक है, रिटायर नहीं हुए हैं, मतलब अब उनको ITBP में DG बना दिया गया है। तो जो कुमार राजेश चंद्र हैं ये बन गए हैं SSB में डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन रो। तो वैसे हालांकि मैंने डिटेल में इसके बारे में पहले भी बात की थी आपसे, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जापान ने किया है, ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स जो यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स पासपोर्ट से रिलेटेड आया था, जिसको हेनलेस रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो हेनले की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है जापान जो है इसने टॉप किया है। 190 कंट्रीज़ में जो है जापान का जो पासपोर्ट है ये वैलिड रहता है, और इंडिया का जो रैंक है वो 79th रहा, लास्ट ईयर 81st था, अब 79th हुआ है, यानी कि कुछ इंक्रीज़ हुआ है इंडिया का रैंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गोइंग टू होस्ट द 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। ये भी हमने वैसे कर लिया हुआ है लेकिन आज रिपीट कर रहे हैं, तो इजिप्ट इसे होस्ट कर रहा है, इजिप्ट जो है वो अफ्रीका कप ऑफ नेशन को होस्ट कर रहा है। हालांकि पहले आपको पता होगा कि ये जो है ये यहाँ पर नहीं होना था, ठीक है, इजिप्ट में ये नहीं होना था, एक्चुअल में ये जो होस्टिंग थी ये इजिप्ट में नहीं रखी गई थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिलहाल इसे इजिप्ट में किया जा रहा है। वैसे पहले ये कैमरून में होना था, लेकिन कैमरून में क्या हुआ कि जो
प्लानिंग्स थी, जो प्रेपरेशंस थी वो नहीं हो रही थी, और सिक्योरिटी रीज़न भी थे, उस वजह से फ़िलहाल क्या हुआ, इसको इजिप्ट में किया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ RS 1100 करोड़ एट डैस इन महाराष्ट्र। तो सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में नरेंद्र मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलपमेंट लॉन्च किए हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो 4 लेनिंग है जो सोलापुर में, और सोनापुर से ओस्मानाबाद है, ठीक है। और इसके बाद NH 211 जो है, ठीक है, इसको 4 लेन किया जाना है। अंडरग्राउंड सेवरेज बननी है, ठीक है, और 3 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिनके ऊपर ये जो टोटल अमाउंट है ये खर्च होना है। ये वैसे आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे वाज रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज करके लिखी हुई है ताकि आपको हर तरह से अगर क्वेश्चन आता है पता चले। तो नॉन रेजिडेंट का क्या मतलब हुआ, नॉन रेजिडेंट का यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस ही हुआ। तो आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट अगर आ गया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपने याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। रीजन क्या है इसको मनाने का, क्योंकि 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे, ठीक है। तो इस वजह से इसे हर साल मनाया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था 2003 में, महात्मा गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया आने की मेमोरी को याद रखने के लिए 2003 से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली पेंड द बुक टाइटल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए जो मलाला यूसुफ जई हैं, ठीक है, मलाला यूसुफ जई, इनका आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था पीस की कैटेगरी में, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था इनको। और ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफ जई, और इन्होंने एक फ़िलहाल बुक जो है लिखी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने फिलहाल क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जगह जगह जाकर जो रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं वहाँ पे लोगों से मिली हैं, और उसी स्टोरी को इन्होंने इस बुक में लिखा है। तो आप याद रखेंगे वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक है ये मलाला यूसुफजई ने लिखी है। तो ये तो हो गए हमारे डेली के करंट अफेयर। अब हम करते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर, जिसमें हम आज करेंगे जुलाई का पार्ट 4। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस MoPNG, ऑयल एंड गैस CPSE एंड इट्स ऑफिसेज सेलिब्रेटेड स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st to 15th July 2018। तो इन्होंने जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 1 से लेकर 15 जुलाई 2018 तक मनाया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेलिब्रेशन, तो इस सेलिब्रेशन की थीम क्या थी, तो थीम थी इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द बाइनुअल यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018 अमंग 193 कंट्रीज रिलीज्ड बाय UN। तो इंडिया का जो रैंक रहा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स में ये 96 रहा, ठीक है, टू जो 193 कंट्रीज थी उनमें से। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑन July 31st 2018 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू NASAMS, ठीक है, जो हमारे पास नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू है, फॉर $1 बिलियन फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, अप्रूव किया गया है इसका एक्विजिशन यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन July 31st 2018 टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग BEML लिमिटेड एंड डैश साइंड पैक्ट फॉर मेकिंग माइनिंग इक्विपमेंट। तो माइनिंग इक्विपमेंट को बनाने के लिए BEML लिमिटेड ने किसके साथ यहाँ पे अंडरटेकिंग की है, तो ये की है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, HEC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन चूजन फॉर द 24th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग कॉम्युनल हारमोनी पीस एंड गुडविल। तो जो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड है ये किसे दिया गया, 24th राजीव गांधी सद्भावना नेशनल सद्भावना अवार्ड, तो ये दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी जी को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी जी को। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेम द यंगस्टर फ्रॉम हरियाणा हु हैज सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट कालीमंजारो
द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इन 3 डेज फ्रॉम 21 जुलाई टू 24 जुलाई 2018। तो शिवांगी पाठक जो हैं इन्होंने, शिवांगी पाठक जो हैं ये यंगस्टर हैं, ठीक है, यंगस्टर है हरियाणा के, जिन्होंने माउंट जो किलिमंजारो है इसे सक्सेसफुली इन्होंने यहाँ पे माउंट कर दिया, ठीक है, क्लेम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन 31 जुलाई 2018 चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड डैश सैटेलाइट एंड ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एज पार्ट ऑफ इट्स हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। तो देखिए फिलहाल जो है चाइना ने गैफोन 11 को सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो एक पार्ट है, जो हमने पहले भी बात की थी कि चाइना जो है हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसी का एक पार्ट है गैफोन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वॉन द 2018 आरबीसी कैनेडियन ओपन एट द ग्लेन एबे गोल्फ क्लब इन ओकवेले इन कैनेडा ऑन 29 जुलाई 2018। तो कैनेडियन ओपन जो है ये डस्टिन जॉनसन जो है इन्होंने जीता, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच इंडियन जैवलिन थ्रोअर वॉन अ गोल्ड मेडल इन द सावो गेम्स इन लापिन लाथी फिनलैंड ऑन 29 जुलाई 2018। तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने जीता, इंडियन जैवलिन थ्रोअर जो है ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता सावो गेम्स जो हुई फिनलैंड में इसमें। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड रेंजर डे जो है ये जुलाई 31 को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर, होप्सो कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।